हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रचना नवानी। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कीवर्ड को डिस्कस करा था, इंट्रोडक्शन लिया था जेनेटिक्स का कि जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे डिनोट करते हैं डोमिनेंट को, रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंटी हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर हमने डिस्कस करी थी, फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे पास ये मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे या लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, तो मेंडल ने इसके लिए पे प्लांट के ऊपर जब काम किया तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 लॉस दिए। फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम से ही पता चला, डोमिनेंस वो कैरेक्टर्स जो डोमिनेंट होते हैं, कोई भी चीज जो डोमिनेंट होती है वो जरूर अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल लैंग्वेज में भी कहते हैं कि ये डोमिनेंट हो रहा है किसी दूसरे के ऊपर, तो जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, तो वो अपने आप को जरूर एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ऐसे ही पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं और वही डोमिनेंट कैरेक्टर उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लेकिन जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया, तो पी प्लांट के ऊपर काम किया तो उन्होंने उसका जो कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट का, तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम टॉल प्लांट को जो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, अगर हम ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट जनरेशन में जितने भी हमारे पास प्लांट आते हैं तो सारे के सारे टॉल आते हैं। तो इससे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया। पर लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस पी प्लांट के लिए ही है, पी प्लांट के ऊपर ही हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर बिल्कुल कंप्लीटली नहीं समझ सकते और लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल भी नहीं है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, सपोज किसी के फादर या मदर में मदर इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंसी है और दोनों में से एक क्या है, दूसरा इंटेलिजेंट नहीं है, तो इट मींस जो डोमिनेंट कैरेक्टर है सारे के सारे उनके ऑफस्प्रिंग क्या होने चाहिए, इंटेलिजेंट ही होने चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई फेयर कलर का है मदर या फादर, दूसरा फेयर कलर का नहीं है, सपोज डार्क कलर का, तो इट मींस तो फेयर कलर को तो हम डोमिनेंट कहेंगे ना, तो उनके ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसमिट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मिक्स कलर आते हैं। तो मेंडल ने जब लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिया तो यही सोचा उन्होंने कि एक अगर हम डोमिनेंट कैरेक्टर को, टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा दे तो कुछ ना कुछ उनके बीच का इंटरमीडिएट आता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या आ जाते हैं, टॉल प्लांट्स आते हैं। तो चलिए हम समझते हैं टॉपिक को। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन सारी बातों को समझने के लिए हमको इन 3 बातों को फोकस करना होगा, ठीक है। फर्स्ट है कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट वो यूनिट होती है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। और सबसे पहले जो फैक्टर वर्ड था, फैक्टर वर्ड मेंडल का ही दिया हुआ वर्ड है, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट यूनिट मीन्स वो यूनिट जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। अब कैरेक्टर को हम समझे, ठीक है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे हाइट का कोई कैरेक्टर है, ठीक है, तो हाइट इज अ कैरेक्टर, जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने समझा था। हाइट क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है, हाइट इज अ कैरेक्टर। इसको कंट्रोल जो यूनिट करती है उसको हम डिस्क्रीट यूनिट कह रहे हैं और उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो हाइट क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है।
तो मेंडल ने फैक्टर वर्ड का यूज करा, तो फैक्टर अकरिंग पेयर, ये फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। सपोज हमें हाइट कैरेक्टर है हमारे पास, तो हाइट क्या हो सकती है टॉल एंड हाइट क्या है ड्वार्फ। ठीक, तो पॉइंट नंबर सेकंड, फैक्टर अकरिंग पेयर, ये फैक्टर हमारे पास पेयर में होते हैं। जैसे टॉल को मैंने डिनोट किया TNT और ड्वार्फ को डिनोट किया TNT। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या होते हैं पेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, इन डिसिमिलर पेयर, जो पेयर एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, तो फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट, सपोज दिस पेयर इज डोमिनेंट एंड दिस पेयर इज रिसेसिव, जो हमेशा जिनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, जिनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं वो क्या होते हैं रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कहाँ एक्सप्रेस करना है F1 जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर जो अपने आप को RNR TNT PNP, ये सारे क्या है हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है, जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते उन कैरेक्टर्स को हम रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। अब ये 3 पॉइंट थे, इन्हीं के ऊपर फोकस है। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा फैक्टर के द्वारा। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं पेयर में होते हैं, फिर पेयर में होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते हैं, फिर एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा तो दूसरा रिसेसिव होगा। अब चलिएगा, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेसिंग F1 जनरेशन। अब इस टॉपिक को समझेंगे, इसको समझने के लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो पी प्लांट लिए। फर्स्ट पी प्लांट उन्होंने टॉल हाइट का लिया, जैसे कि ड्रॉ है टॉल प्लांट है, दूसरा क्या ड्वार्फ है। तो इन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराए, तो क्रॉस कराने पर इस F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं टॉल हाइट के होते हैं। ठीक है, किस जनरेशन में F1 जनरेशन में। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग इनमें कराई गई, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं F1 जनरेशन मींस फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये क्या है पैरेंटल कैरेक्टर्स है। ठीक है, पैरेंटल कैरेक्टर्स मेल एंड फीमेल, ठीक है, क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं टॉल होते हैं। अब इसको हम चेकर बोर्ड या प्यूनिट स्क्वायर से भी समझ लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये टॉल प्लांट का हमारे पास क्या है जीन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी एंड टी दिस इज जीन। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं टी एंड टी। अब हमने क्या करना है इनका क्रॉस करना है, तो क्रॉस देखिएगा टी एंड टी एंड टी एंड टी, इस तरफ मैंने इनके गैमेट्स लिख दिए हैं। स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। अब देखिएगा क्रॉस करना है, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी टी एन टी, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी टी एन टी, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी टी एन टी, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी टी एन टी। ठीक है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये टॉल है और ये भी हमारे पास टॉल है, तो इट मीन्स F1 जनरेशन में इसका रिजल्ट देखिएगा, इट मींस F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट हमारे पास क्या होते हैं टॉल होते हैं टी एन टी। ये कितने प्लांट्स हैं हमारे पास 4। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है 4:0। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमारे पास सारे इंडिविजुअल क्या होते हैं टॉल होते हैं, ये इसका रिजल्ट है। ठीक, लेकिन अब हम इसको भी समझेंगे कि टॉल तो है, टी एन टी इज ऑल्सो टॉल एंड टी एन टी इज ऑल्सो टॉल, ये दोनों के दोनों टॉल है, पर लेकिन ये कौन सा टॉल है हाइब्रिड टॉल। ये रिजल्ट हमारे पास F1 जनरेशन का आया, F1 जनरेशन। क्लियर, अब मेंडल ने क्या किया,
F1 जनरेशन में जो भी हमारे पास प्लांट आए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, टॉल हाइट के हाइब्रिड टॉल हमारे पास प्लांट मिला, अब इन्होंने इसी को सेल्फ क्रॉस करा दिया, इसमें ही सेल्फिंग करा दी, और सेल्फिंग कराने के बाद जो रिजल्ट आते हैं F2 जनरेशन में, उस रिजल्ट में हम देखते हैं 3:1 का रिजल्ट आता है, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है, ठीक है, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिएगा F2 जनरेशन के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास ये प्लांट था TNT क्रॉस विथ TNT, किसका, F1 जनरेशन का प्लांट, इसको हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया, सेल्फिंग करा दी इसमें, इतना आप अंडरस्टूड हो, ठीक है। इसके मैंने गैमेट्स लिख दिए इधर TNT और इसके मैंने गैमेट्स लिख दिए इधर TNT। देखिएगा TNT सेल्फ क्रॉस करा रहे, कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी TNT, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी TNT, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी TNT और स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी TNT, ठीक है। तो F ये रिजल्ट हमारे पास किसके लिए आते हैं, F2 जनरेशन के लिए, ठीक है, F2 जनरेशन के लिए ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट कैसे आता है देखिएगा, F2 जनरेशन के लिए रिजल्ट हमने दिया, TNT को क्रॉस करा, ये क्या है हमारे पास टॉल है, TNT ये भी टॉल है, TNT ये भी टॉल है, बट ओनली वन इंडिविजुअल इज ड्वार्फ, ठीक। तो अब हम इनका रिजल्ट देखेंगे कैसे हमारे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, देखिएगा TNT सेकेंड थर्ड TNT एंड फोर्थ TNT। अब देखिए TNT दिस इज प्योर टॉल मीन्स प्योर टॉल वो टॉल होता है जिसमें कि सेम गैमीट होते हैं, ठीक है, या होमोजाइगस होता है, ठीक है, उस को हम प्योर टॉल कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, टॉल है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ये कैपिटल टी वाला जो जीन है वो डोमिनेंस कैरेक्टर को शो कर रहा है, और कौन सा कैरेक्टर है कैपिटल टी, कैपिटल टी मींस हमने बताया कि कैपिटल टी किस कैरेक्टर को शो कर रहा है, टॉल हाइट को, तो इसलिए यहाँ पे टॉल क्या है, डोमिनेंस कैरेक्टर है, तो इसलिए ये दोनों प्लांट भी क्या आए हमारे पास F2 जनरेशन में, टॉल ही आते हैं। फोर्थ लास्ट प्लांट हमारे पास क्या आता है, ड्वार्फ आता है, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं। तो अब देखिएगा, अब हम एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक में कि जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो, देखिएगा जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो, पहले केवल आप इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस का रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो रेशियो आता है वो हम देखेंगे, 1, 2, 3 इंडिविजुअल हमारे पास क्या है, टॉल हाइट के हैं, और ओनली वन इंडिविजुअल हमारे पास क्या है, ड्वार्फ हाइट के। इससे हम निकाल सकते हैं कि 100% प्लांट में 75% टॉल है और 25% क्या है, ड्वार्फ प्लांट है, क्लियर 100%। तो 4 इंडिविजुअल में से 3 पौधे, 4 पौधे में से 3 प्लांट्स हमारे पास क्या आते हैं, टॉल आते हैं, और केवल 1 प्लांट ही ड्वार्फ आता है जो रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। अब क्या अंतर आया F2 जनरेशन एंड F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या आते हैं, टॉल आते हैं, लेकिन हम उसी टॉल को सेल्फ क्रॉस कर देते हैं जो हमारे पास हाइब्रिड टॉल आया, तो F2 जनरेशन में रिजल्ट अलग आ गया हमारे पास। तो F2 जनरेशन में क्या आया, जो कैरेक्टर हमारे पास ड्वार्फ था, रेसेसिव कैरेक्टर था, उसने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो F2 जनरेशन में 3 प्लांट्स हमारे पास टॉल आ गए और ओनली 1 प्लांट्स हमारे पास क्या आ गया, ड्वार्फ प्लांट आ गया, क्लियर। तो
अब हम इनका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो पढ़ते हैं। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जीनोटिपिक रेशियो मीन्स जो रेशियो हम उनकी जीन्स को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें जीन्स किस तरीके से हैं। देखिए हम जीन्स देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार इंडिविजुअल है, टॉल टॉल टॉल, तो इसमें तीन जीन्स हमारे पास क्या है, जो टॉल कैरेक्टर को शो करते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 3:1, और फिनोटिपिक रेशियो में ही हम इसको कैटेगराइज कर देंगे। फिनोटिपिक रेशियो वो रेशियो होता है जब हमने किसी फील्ड में हमारे पास कोई प्लांट है तो उसको हम देखकर आइडेंटिफाई करें उसका फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके से है, वो उसका फिनोटिपिक रेशियो, फिजिकल अपीयरेंस फिनोटिपिक रेशियो का है। अब थ्री में से अब हम यहाँ पे समझेंगे, तीन तो पौधे हमारे पास क्या थे, पी प्लांट के टॉल थे। वो टॉल कैसे थे, एक हमारे पास क्या था, प्योर टॉल था। प्योर टॉल का हमें कैसे पता चला, जब हमने उनकी जीन्स की स्टडी करी, ठीक है। एक क्या था, प्योर टॉल था। दो, ये टॉल था लेकिन ये कैसा टॉल है, हाइब्रिड टॉल। एक प्योर टॉल है, दो हमारे पास क्या है, हाइब्रिड टॉल है, और एक हमारे पास क्या है, ड्वार्फ है। तो वन इज टॉल, प्योर टॉल आप इसको लिख सकते हैं, टू इज हाइब्रिड टॉल, एंड लास्ट में वन इज ड्वार्फ। तो इस तरीके से हमारे पास 3:1 आता है, 1:2:1 जो रेशियो का रिजल्ट आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि इनका जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन में कैसे करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को जब हम क्रॉस करते हैं उस क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस वो कैरेक्टर जो डोमिनेंट इन नेचर के होते हैं उन्हीं वही अपने आप को एक्सप्रेस करते उस, ठीक है, या जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करा, उसका रेशियो निकाला, F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आते हैं और F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपके समझ में आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर नंबर 3 में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।